और ये आम सी बातें इनको खास बना देती है। गांधी जी ने कहा था कि जो आपका कर्म है, चाहे वो कोई भी कर्म हो, कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी आदमी काम कर रहा अपनी शिद्दत से तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं कल परसों आ रही थी, मैंने कहीं रास्ते में मेरा रुकड़ा हुआ, एक प्रेस वाले ने इतनी शानदार दुकान लगा रखी थी, मैं प्रेस कर रहा था अपनी शिद्दत से, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा थी, क्योंकि वो अपने काम को बिल्कुल दिल और आत्मा से कर रहा था, उससे बड़ा मेरे लिए कोई मंदिर नहीं था। गांधी जी ने अपने बुक में लिखा कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। आज मैं जो कुछ हूँ, जो भोग रही हूँ, ये कर्म की बदौलत हूँ। मैं घर जाके ये नहीं देखती कि ये काम मैं नहीं करूंगी, मुझे चूल्हे पे रोटी बनाना, घर का काम करना, ऐसा कोई काम नहीं है घर का जो मेरी माँ ने नहीं सिखाया। वैसे वो सिलाई से लेकर के, चाहे वो कढ़ाई बुनाई से लेकर के, चाहे वो दरी से लेकर के, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मुझे नहीं आता होगा। मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई कि बेटा वक्त पता नहीं कैसा आ जाए, अगर आपको हुनर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके हुनर से आप आगे बढ़ सकते हैं। बात जरूर कहूंगी, कई बार मैं फील्ड में रहती हूँ, मेरे पास फोन आते हैं, जब बेटी को हम अगले घर भेजते हैं, जब हम उसका रिश्ता ढूंढते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि बेटी बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन हमारी बेटी काम नहीं करेगी। मैं इसको अपने समाज के लिए बहुत ही गलत गाइडलाइन मानती हूँ। मैं कहती हूँ कि जितनी भी मेरे सामने माए बैठी, अपनी बेटी को यही सिखाए कि मेरी बेटी एम ए एम फिर पीएचडी है, जितना मैं नहीं जानती थी मेरी बेटी उससे ज्यादा जानती है, और मैं अनपढ़ थी, मैं इतना अच्छे से संभाल के काम नहीं कर पाती थी, लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से संभाल के काम करेगी, क्योंकि मेरी बेटी पीएचडी एमए एमफिल है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी अगले घर में जाके बहुत अच्छे से काम करेगी। लेकिन उनका अपेक्षित रहता है कि मेरी बेटी काम नहीं करेगी, फिर काम नहीं करेगी तो अगले क्यों लेके जाऊंगी। भाई कहने का मेरा भाव है कि हमने अपने समाज को कैसे मजबूत बनाना है। मैंने विदेशों की यात्रा की है, हम कहते कि ये कोल्ड ड्रिंक आ गई, ये चीज आ गई, सारी चीजें हम विदेश से लेके आए हैं। मैंने विदेशों की यात्रा की है, वहां मैंने देखा कि वो लोग अपने कल्चर को अपना रहे हैं। आज जब मैं गाँव में जाती हूँ, मुझे कहीं भी कढ़ोनी बिलोनी नजर नहीं आती। आज गाँव के अंदर डोलों में दूध लेके आती है, और मैं शहर में रहती हूँ, इस शहर में मेरे घर 12 गायें हैं, और मेरे घर कम से कम सुबह इतने लोग आते हैं जो लस्सी लेके जाते हैं, बहुत खुशी मिलती है मुझे। ये चीज मेरे गाँव की धरोहर है। मैं चाहती हूँ गाँव में ये चीज दोबारा लौटे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कभी दोबारा फंक्शन में आऊँ। मैं चाहती हूँ गिलास में लस्सी मिले, ना कि ये जूस मिले, क्योंकि ये मेरे गाँव की संस्कृति नहीं है। मेरे गाँव की संस्कृति मड़ाई है, कढ़ोनी है, बिलोनी है, ये हमारे गाँव की संस्कृति है। और ये एग्जाम्पल रहा है बड़े बड़े पहलवान, चाहे सुशील हो, चाहे योगेश्वर दत्तो, चाहे आज जितने भी प्लेयर है उनका, मैं जिनका भी नाम ले, तो वो आज इसी की दौर है, क्योंकि माओ ने उन बच्चों को अच्छी डाइट के साथ बड़ा किया है। आज इतने बड़े बड़े नीरज चोपड़ा जैसे भाई हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं। जब मैं नीरज चोपड़ा के घर पे गई और मैंने अंकल से पूछा कि भाई की क्या डाइट रहती थी, अंकल कहते थे बेटा यही लस्सी दही दूध यही वो है। तो ये हमारे हरियाणा की पहचान है, जहाँ दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। तो हम क्यों बदल रहे हैं इन चीजों को।